गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? पढ़ना है तो कहीं भी जाएं और सीखना है तो PVR स्टडी अपनाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन अभी लाइट वगैरह जल जाएगी तो आपको बिल्कुल बेटर दिखेगा। और हम आपको गणित सिखाने की पूरे के पूरे 100% गारंटी लेते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आप निसंकोच गणित सीख सकते हैं। मैथ बिल्कुल आसान है, सही से दिख रहा है ना? चलिए शुरू करते हैं आज की जीरो लेवल की गणित की क्लास। ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को लास्ट तक अगर आप अटेंड करेंगे तो आप गणित सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक साइड में कटा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो मोबाइल नंबर जो आधा दिख रहा है वो नंबर दूसरे साइड में पूरा क्लियर दिख रहा है, वही नंबर है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं आज का। आज है पार्ट नंबर 29। इसके पहले हमने 45 भाग लगभग देख लिया है, जिसमें बीच के कुछ भाग छूटे हुए थे जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक करना और हर और अंश बताना वगैरह वगैरह। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं इस समय कक्षा 7 की गणित, तो कक्षा 7 की गणित में ये आपका है अभ्यास नंबर 1 का सी। ठीक है, 1 का सी का क्वेश्चन नंबर तीसरे के अनुसार हम लोग चलेंगे। अगर आप कक्षा 7 में हैं या फिर आपके बेटा बेटी भाई बहन कोई भी है तो उसके लिए बिल्कुल उसकी किताब का सवाल होगा। ठीक है, तो ये प्राथमिक विद्यालय में जो किताब लगती है सरकारी स्कूल में, उसी के अनुसार 7वीं क्लास की किताब का 1 का C का तीसरा सवाल। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, क्या होगा ये आपको बताना है। समतुल्य क्या होता है, जिसे इंग्लिश में इक्वालेंट बोलते हैं। ठीक है, इक्वालेंट रेशनल नंबर। जैसे कोई है नंबर पर चलते हैं, तो ये 4/18 -4/18, इसको अगर हम किसी भी और संख्या से गुणा कर दें अंश और हर में, एक ही संख्या से, जैसा कि मान लेते हैं -4/18 है, इसको हमने 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से किया, तो ये -8/36, ये क्या हुआ, इसका समतुल्य भिन्न हो गया। ठीक, इसके अलावा इतना ही नहीं, चाहे तो आप गुणा करें या फिर भाग करें, दोनों चीज आप कर सकते हैं। अगर आप 2 से भाग भी कर दें दोनों में, अंश और हर में, तब भी जो उत्तर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। 2 से आप इसमें भाग करेंगे तो ये 2 × 2 = 4 और 2 × 9 = 18, -2/9 आएगा। यानी कि ऑप्शन अब आप अपना देखें, क्या वो ऑप्शन है 8/36? कहीं नहीं है ना, -2/9 ऑप्शन में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है -18 है ना। देखिए, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है ना। -4/18, -4/18 आप लोग ध्यान दें तो इधर ये समझे, इसमें अंश जो है क्या है, माइनस है ना, अंश माइनस है, और हर आपका क्या है, हर आपका प्लस है। अब आपका इक्वालेंट फ्रैक्शन वही होगा जिसमें एक चिन्ह माइनस हो। देखिए, ये 2/9 प्लस है दोनों, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एक माइनस आना चाहिए। ये देखिए, अंश तो माइनस नहीं है लेकिन हर माइनस है, इसलिए यही क्या होगा, उत्तर मान लिया जाएगा। समझ गए ना? तो अब आप लोग अगले सवाल का जवाब देने के लिए तुरंत रेडी हो जाएं, जो सवाल आपके सामने आ रहा है तुरंत। देखिए, इसके ऑप्शन अब की बार में हम इधर साइड में लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ठीक है, अब की आप सभी लोग बताएंगे, परिमेय संख्या 7/3 के समतुल्य भिन्न कौन सी होगी? 12/17, दूसरा है 35/15, तीसरा है 18/32, चौथा है 9/9। जल्दी से सभी लोग बताएं, ये आपका है सवाल नंबर 2 और फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, जो जो लोग देख रहे हैं, और आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये पूरा विश्वास है। ठीक है, तो सभी के कमेंट आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, हो गया ना, आगे चलें। सवाल नंबर 2, देखिए ये बहुत ही आसान है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको किसी एक नंबर से गुणा करना है या भाग करना है। देखिए, ऑप्शन में कहीं भाग तो हुआ नहीं है, ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं इसका मतलब गुणा ही हुआ है। तो 7 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर 7 में 12 कभी नहीं आएगा, 7 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर 35 आ सकता है, 7 × 5 = 35 और 3 × 5 = 15। यानी कि ये 7/3 को कुल मिला करके ऐसे किया गया होगा, ऐसे है ना, तो ये 35 और ये 15 आया। देखिए आ रहा है ना,
दोनों में एक ही नंबर से गुणा करने पर ये आ रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, समतुल्य भिन्न होगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग? तो एक सवाल और आप लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम तुरंत फट से। अगला समतुल्य भिन्न आप लोग समझ गए होंगे। अब ये सवाल नंबर तीसरे का उत्तर आप लोग जल्दी से बताएं, परिमेय संख्या 48/24 के समतुल्य भिन्न कौन सी होगी, समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होगी। देखिए पहला ऑप्शन, अगर आप देखें इसको किसी भी नंबर से काटें 48 को, ये है आपका 48/24। अगर इसे हम किसी भी संख्या से काटेंगे तो 18/36 कभी नहीं आएगा, 24 तो आ सकता है 48 में, बट 7 नहीं आएगा 24 को काट के, इसको काट के 48 को 24 तो आ सकता है, लेकिन 24 को काट करके कभी भी 7 नहीं आएगा, तो यानी ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। अब एक ऑप्शन बच रहा है, आप अगर 48 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 आएगा, यानी ये सही हो रहा है, और 6 भी आएगा, किससे, 4 से काटें तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 छंग 24। देखिए एक ही संख्या से काटने पर 12/6 आ जा रहा है, यानी आपकी ये हो गई समतुल्य भिन्न। तो चलिए अगला स्टेप पर अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा। इसी क्रम में सवाल नंबर अगला आपके सामने आ चुका है, सवाल नंबर 4, इसे आप लोग ध्यान से देखिए और जल्दी से जवाब दें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसका उत्तर जल्दी से बताएं। संख्याओं 8, 7 और -2, 9 और +2 और 0 का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम आपने सुना होगा, आरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बहुत ही प्यार से असेंडिंग ऑर्डर, तो आप लोगों को जल्दी से असेंडिंग ऑर्डर बता देना है। देखिए इसमें प्लस संख्याएं भी हैं, पॉजिटिव निगेटिव भी हैं और जीरो भी है। आप सभी जानते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम समझिएगा और अवरोही समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अगर हमने ऐसे लाइन खींचा, एक छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, ध्यान से देखिएगा, इधर हमने लाइन खींचा सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे फिर उससे फिर उससे फिर उससे, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, बात समझ में आ रही है। ये छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आपका हुआ आरोही क्रम, जिसे हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एसेंडिंग ऑर्डर स्पेलिंग देख लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है, इसे बोलेंगे आरोही क्रम, जिसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये कंफर्म हो गया सभी को ना, मतलब जब छोटी संख्या सबसे पहले लिखे, उसके बाद बड़ी संख्या लिखे, फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, तो वो आरोही क्रम होता है। जब सबसे बड़ी संख्या पहले लिखे, फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी, तो वो आरोही क्रम होता है। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, बिल्कुल तुरंत कमेंट कर सकते हैं, और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे जो कि आपके सामने तुरंत ही आने वाला है। देखिए इसका पहले उत्तर बता दें आपको, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। डी वाला क्यों होगा भाई, सी वाला क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, सबसे पहले तो हम इसमें अगर ध्यान दें तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, गलत है, ये भी गलत है। क्यों, इसमें एक ऑप्शन आपका और होगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज होगा, यही सही होगा। क्यों और कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए वो कि आप ये जानते होंगे माइनस जो संख्या होती है निगेटिव वो सबसे छोटी होती है। माइनस, जैसे आपसे कोई बोले कि आपके पास 0 रुपए है, मतलब कोई रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपका कोई फ्रेंड है, कोई साथी है, कोई पड़ोसी है, कोई भी है, जिसके पास कर्जा है 5,000 का, 5,000 का कर्जा है, उसने किसी से लिया है, इसका मतलब आप धनी है कि वो धनी है भाई, आपके पास नहीं है पैसा, आप जो भी सूखा रूखा पा रहे, खा रहे, रह रहे, सुकून से है ना, लेकिन जिसके पास कर्जा है किसी और से, उसने लेकर के खर्चा किया है, उसके लिए तो है मुसीबत ना, इसका मतलब वो क्या है, आपसे ज्यादा छोटा है, आपसे ज्यादा गरीब है, मतलब समझिएगा, क्योंकि वो है तो नहीं आपके पास भी और उसके पास भी नहीं है, लेकिन उसका कर्जा तो है, तो मतलब समझिएगा, जो माइनस संख्याएं होती हैं वो 0 वाली से भी छोटी होती है। आपने संख्या रेखा पर देखा होगा, ये आपका संख्या रेखा होता है, यहाँ पर बीच में 0 होता है, इधर 1, 2, 3 होता है, इधर -1, -2, -3 होता है, ये 0 जो बीच में होता है मूल बिंदु,
यहीं से शुरुआत होती है, दाहिने तरफ प्लस संख्याओं का, बाएं तरफ माइनस संख्याओं का। तो ये जीरो जो है क्या है, -2 से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ये जीरो जो है -3 से बड़ा है। माइनस संख्याएं जितनी बड़ी होंगी वो उतनी ही छोटी हो जाएंगी, मतलब समझिएगा, माइनस संख्याएं जितनी बड़ी होंगी वह उतनी ही छोटी होंगी। अगर -100 की तुलना करें हम 2 से, -100 की तुलना 2 से करें तो 2 बड़ा होगा, -100 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस लगा है, मतलब समझिएगा। अगर हमने कहा -43, इसकी कंपेयर करना है 7 से, अब 7 बड़ा है, 43 छोटा है, क्यों? क्योंकि इसमें माइनस लगा है, मतलब समझिएगा। निगेटिव संख्याएं जितनी भी बड़ी हो जाएंगी उनका मान उतना ही छोटा होगा, मतलब समझ गए ना। तो अब हम इसके सवाल के हल पे चलते हैं, तो आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। सबसे पहले माइनस संख्या आएगी, यानी कि -2, और फिर 0 आएगा, फिर आपकी सीरियल में चलेगा 2, और कौन सी संख्या है आपका, 7, 8 और 9, मतलब समझ गए ना, ये आपका होगा उत्तर, समझ गए ना। यानी सबसे पहले जो माइनस संख्या वो, फिर 2 होगा, 0 होगा, फिर 2, 7, 8, 9, प्लस की जो संख्याएं होंगी उनको बाद में रख देंगे, ये समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कुछ संख्याओं की सहायता से, अंकों की सहायता से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। आप देख रहे हैं कक्षा 7 की मैथ की बुक, यानी कि गणित देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय की, जो कि आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गणित का बेसिक मूल सिद्धांत है। ध्यान से समझिएगा और इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। उसी तरह का देखिए अगला सवाल, आप लोग जल्दी से बता दें, कुछ कंफर्म हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। संख्याओं 12, 18, -20, 0 और 17 का आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। ऑप्शन नंबर पहला है 0, 17, 18, -20 और 12, याद रहे ये आपका माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ पर -20 है, ठीक है। 0 है, 12 है, 17 है, 18 है, -20 है। अगला ऑप्शन है आपका -20, 0, 12, 17, 18, आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो हम चलते हैं अपने उत्तर पर। उत्तर नंबर होगा सी, क्यों होगा, क्योंकि सबसे छोटा माइनस वाला संख्या होता है, 20 हो गया, उसके बाद 0 है, फिर 12, फिर 17, फिर 18, ये है आपका सीरियल नंबर और ये आपका हो गया आंसर, मतलब समझ गए ना। सबसे पहले -20 को लिखेंगे, फिर 0, फिर 12, फिर 17, फिर 18। अब देखिएगा भिन्नों वाली संख्याओं को, ध्यान से देखिएगा इस सवाल का जवाब दें आप लोग जल्दी से। 5/13 और 8/13 में कौन बड़ा है, 5/13 और 8/13 में कौन बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है, जल्दी से बताएं सभी लोग। सभी लोग समझ गए होंगे भाई, अगर आपके पास 5 रुपया है और आपको 13 बच्चों में बांटना है, और या फिर किसी के पास 8 रुपया है उसको 13 बच्चों में बांटना है, तो ज्यादा ज्यादा किस में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लें, अगर आपने चॉकलेट लाया अपने घर में, आपके घर में 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं और 13 बच्चे हैं, मान लेते हैं, सॉरी 13 बच्चे हैं आपके घर में, और आप एक दिन 5 चॉकलेट लेके आते हैं और 13 बच्चों को बांटते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा देंगे ना। लेकिन अगर 8 चॉकलेट ले आएंगे, 13 ही बच्चों को फिर भी बांटना है, तो सिंपल सी बात है, ज्यादा ज्यादा मिलेगा ना। वैसे भी सिंपल आप देख लें कि 8 जो है वो बड़ा है, 5 छोटा है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए तो क्या होगा, इधर देखिएगा, जैसे हमने लिखा है ये आपका 9/32 और ये लिखा आपका 7/32, 7 बटे यहां पर लिखा 30, आप बताइए आप लोग जल्दी से कौन बड़ा है। ये हमने यहां पर लिख दिया आपका 8/9/30, अब बताइए कौन बड़ा है, 9/30 और 9/32 में कौन बड़ा है। अब आप कहेंगे दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है। 9 रुपया में 32 लोगों को बांटना है, या फिर कोई भी सामग्री है जो 9 पीस है उसमें से 32 लोग को देना है, इसमें 9 में से 30 लोग को देना है, कम लोगों को देना है ना, इसलिए ये बड़ा है, ध्यान दीजिएगा ये बी वाला बड़ा होगा, ठीक। अगला सवाल देखिएगा इस तरह का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं इसमें कुछ भी सवाल आपका दिया गया है, 8/11 और 7/11। अब 11 की जगह पर मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया क्या, 7/ यहाँ पर मान लीजिए हमने 3 कर दिया, ठीक है, 7/3।
अब आप लोग बताएं कौन बड़ा है, जल्दी से बताएं कौन बड़ा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 8/11 यह बड़ा है, 7/3 छोटा है। बिल्कुल गलत है भाई, 8 रुपये में 11 लोगों को बांटना है और आपको 7 रुपये में केवल 3 लोगों को बांटना है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 7 चॉकलेट है 3 बच्चों को देंगे तो 2 2 से ज़्यादा आएगा, है ना, 2.33 3 3 पॉइंट में लगभग में आएगा, आएगा ना। लेकिन अगर आपके पास 8 भी चॉकलेट हैं और 11 बच्चों को देना है तो थोड़ा थोड़ा सा आएगा, मतलब समझ गए। यानी कि आपका 8/11 और 7/3 में अगर कंपेयर करेंगे हम लोग तो आपका ये 7/3 बड़ा होगा, 8/11 छोटा होगा, समझ गए ना। एक और अगला सवाल बड़ा छोटा में जल्दी से देख लें, आप लोग को क्लियर हो जाए एकदम अच्छे से। और कभी भी ना भूलें, प्रतिदिन क्लास को देखते रहने के लिए JOIN ज्वाइन लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी प्रक्रिया को पूरी करें जो भी आपको बताया जाए, और फिर आप लोग क्लास को देखते रहें। ये है 7/21 और ये है आपका 9/42। अब आप लोग बताएं कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, हु इज ग्रेटर। भाई 7 रुप मान लेते हैं, 7 कोई भी है, 7 बिस्किट है, 7 बिस्किट में आपको 21 स्टूडेंट को बांटना है, या फिर 7 टॉफी है 21 लोगों को बांटना है, ठीक। और 9 है, 9 में 42 लोगों को बांटना है, 9 में 42 लोगों को बांटना है, सिंपल सी बात है। ये है तो 2 ज़्यादा इससे 9, लेकिन देना कितने लोग को है, 21 × 42, 42 लोगों को देना है। इसमें 7 में जो है 21 ही लोगों को देना है, इसका मतलब कौन बड़ा है, ये 7/21 बड़ा है, 9/42 छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि वो 9 पीस तो है लेकिन देंगे कितने लोग को, इसके 2 गुना संख्या है उसकी लेने वालों की, समझ गए ना। ओके, तो अब आप लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे एक सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 15 18 12 कौन सा है मालूम नहीं है। 7/11, 3/15 और ये आपका है 9/17 का आरोही क्रम। जल्दी से आप लोग बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने तुरंत आ रहा है, इसमें आरोही क्रम कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 7/11 पहले, 3/15 और फिर 9/17। ये 9/17, 7/11, 3/15, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका होगा 7/11, 9/17 और 3/15। एक ऑप्शन है आपका 9 9 30। जल्दी से आप लोग बताएं कौन होगा बड़ा, कौन होगा छोटा। सीख गए सभी लोग, मैं बताऊं, देखिए अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, सिंपल सी बात है, ये आपका बन जाएगा 9/, ध्यान दीजिएगा, ये 7/11 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा और ये आपका 9/17 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि 7 टॉफी है जिसमें 11 स्टूडेंट को देना है, 1 टॉफी है जिसमें 5 लोगों को देना है, 1 टॉफी में 5 लोगों को देना है यानी कि 0.22 लगभग आएगी, और 7 में 11 लोगों को देना है और 9 में 17 लोगों को देना है। अब सिंपल सी बात है, इसमें बिना किसी तरीके के हम आपको बता रहे हैं, अगर 9 में 17 लोगों को बांटेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, 17 कितना बार जाएगा, लगभग 90 में पहाड़ा, 17 छक्का 102, 17 5 85 है ना, 17 5 85 0.5 के लमसम में इसका आएगा, अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसको करेंगे 0.2 के लमसम में आएगा, 11 6 का 66 ये 0.6 के लमसम में आएगा, है ना, मतलब समझ गए ना। यानी सबसे छोटा कौन होगा इसमें, ये सबसे छोटा होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, समझ गए ना। तो सबसे छोटा कौन होगा आपका, 1/5 होगा, 1/5 सबसे पहले होगा, फिर आपका 9/17 होगा और फिर आपका 7/11 होगा। ये आपका कोई ऑप्शन इसमें से सही दिख रहा है, नहीं सही है, कोई भी नहीं सही है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये हो गए आपके सवालों के जवाब। इसी तरह की और भी क्लास को देखते रहने के लिए PBR स्टडी को फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और अनअकैडमी पर भी फॉलो करें, ठीक है ना। और नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उन नंबरों को नोट करें और आप हमसे जुड़े रहें कहीं भी कभी भी, और हम आपको गणित सिखाने की पूरी 100% गारंटी लेते हैं अगर आप हमारे साथ हर दिन क्लास को
ज्वाइन करते हैं। तो पीबीआर स्टडी को फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, नहीं तो इस नंबर पर संपर्क करें, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। प्रत्येक सुबह यानी कि मंडे टू फ्राइडे देखें जीरो लेवल की मैथ की क्लास आपके पीबीआर स्टडी में। थैंक यू। अगर कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं, आपके पास समय है, बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं।